दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को फिरोज शाह कोटला मैदान में खेले गए मुकाबले के दौरान ऋषभ पंत की आवाज स्टंप माइक में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल पंत ने रॉबिन उथप्पा की बल्लेबाजी के दौरान गेंदबाज के गेंद डालने से पहले विकेट के पीछे से कहा कि यह तो वैसे भी चौका जाएगा, और अगली गेंद पर कोलकाता के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने 4 रन लगाए। उथप्पा उस समय युवा गेंदबाज संदीप लमिशाने के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई प्रशंसकों का मानना है कि यह घटना दर्शाती है कि मैच पहले से ही फिक्स था, क्योंकि पंत को कैसे पता चला कि अगली गेंद पर क्या होगा। दिल्ली ने सुपर ओवर तक गए मैच में 3 रन से जीत दर्ज की और 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 6 विकेट खोकर 185 रन ही बना पाई, जिसके कारण मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर में निकला। युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने मुकाबले में 99 रनों की शानदार पारी खेली। दिल्ली ने सुपर ओवर में 10 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में कागिसो रबाड़ा ने कोलकाता को केवल 7 रन बनाने दिए और 3 रन से दिल्ली को जीत दिलाई। दोस्तों, ऋषभ पंत का ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।